आगरा का एक ऐसा विद्यालय की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें बच्चे मौत के साए में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। जर्जर भवन होने के बाद भी नौनिहालों को उन्हीं में बिठाकर शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है। देश का भविष्य मौत के घरों में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भवन अभी जर्जर हुए हैं, ये भवन काफी वर्षों से जर्जर हैं, लेकिन इसके बाद भी मौत के घरों में बिठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस तरफ किसी भी बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन व सांसद विधायक का कोई ध्यान नहीं है। आगरा के उत्तरी विधानसभा के सौठ की मंडी स्थित श्री गोवर्धन दास विद्यालय का ये भवन काफी समय से जर्जर है, लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया है। भवन जर्जर होने के बाद भी नौनिहाल उसी भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। हालात ये हैं कि भवन के लेंटर का सीमेंट तक हट गया है और उसके सरिये तक नजर आ रहे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। विद्यालय में लगभग 3 से 4 कमरे बने हुए हैं जो इस समय सभी टूट चुके हैं। सिर्फ एक कमरा है जो इस समय ठीक है, लेकिन उसकी हालत भी बद से बदतर बनी हुई है। मासूम नौनिहाल मौत के साए में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिस कमरे में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसी कमरे में रसोई भी बनी हुई है। सिलेंडर पर उसी कमरे में खाना बनाया जाता है। बरसात के मौसम में पानी छत से टपकता है तो बच्चों को एक किनारे कर दिया जाता है। लेकिन हैरत की बात ये है कि देश के भविष्य को मौत के घर में पढ़ाया जा रहा है। ना तो इस तरफ किसी सरकार के प्रतिनिधि का ध्यान जा रहा है, ना ही किसी अधिकारी का। विद्यालय को देखा गया तो भवन के लेंटर का सीमेंट हटा हुआ दिखाई दिया, लेंटर के सरिये तक साफ नजर आ रहे हैं। विद्यालय के शिक्षा मित्र ने बताया कि वह बच्चों को खुले आसमान के नीचे बिठाकर पढ़ाती है। प्राथमिक विद्यालय का भवन खंडर में तब्दील हो चुका है। उनका साफ तौर से कहना है कि भवन की दीवार तो है लेकिन उस पर छत नहीं है। अगर बरसात हो जाती है तो स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। सर्दी के मौसम में भी बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। इसके चलते बच्चे आए दिन बीमार हो जाते हैं। हालात ये है कि अगर बच्चों को शौचालय के लिए जाना होता है तो वे अपने घर शौचालय के लिए जाते हैं। शिक्षकों को भी बराबर के घर में शौचालय के लिए जाना पड़ता है। भले ही भवन की हालत जर्जर हो, लेकिन इसके बाद भी जर्जर भवनों की हालत सुधारने के लिए अभी तक किसी भी सरकार ने व उनके किसी प्रतिनिधि ने कोई प्रयास नहीं किया है। विद्यालय में 30 बच्चे हैं और एक शिक्षा मित्र है। शिक्षा मित्र का कहना है कि विद्यालय की हालत देखकर बच्चों के परिजन बच्चों को स्कूल पढ़ाने तक नहीं भेजते, क्योंकि विद्यालय में बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। शौचालय भी टूटा हुआ है, पानी पीने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते बच्चों के परिजन अपने बच्चों का प्रवेश कराने आते तो हैं, लेकिन विद्यालय की बद से बदतर स्थिति देखकर वे बिना प्रवेश कराए ही अपने बच्चों को लेकर चले जाते हैं। आखिर कब तक इस विद्यालय की कायाकल्प कराते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या परेशानी आपके स्कूल में? हमारा स्कूल टूटा और यहाँ पर डर भी लगता है पढ़ने में। यहाँ पर ना टॉयलेट की व्यवस्था है ना पानी की व्यवस्था है। हमारे हम इसलिए तो 3-4 दिन आते भी नहीं है पढ़ने के लिए। पानी भर जाता है इसलिए हम नहीं आ पाते हैं। यहाँ पर कोने में टूटा भी है। और अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि ये स्कूल में टॉयलेट की पानी की सारी व्यवस्था हो जाए और ये स्कूल बन जाए। हमें कहाँ पढ़ने आती हो? मैं आती हूँ। तो इस स्कूल की कैसी स्थिति है? स्कूल की स्थिति बहुत सही नहीं है और यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की भी नहीं है और स्कूल भी पूरी तरह से टूटी हुई है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ यहाँ पे स्कूल अच्छी बने और बच्चे भी अच्छे से पढ़े। ठीक है। मैडम, क्या नाम है आपका? नूतन राठौर। किस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं? प्राथमिक बाल गोवर्धन दास। कहाँ पढ़ता है ये? सौठ की मंडी। क्या स्थिति है इस विद्यालय की? इस विद्यालय की 10 साल से ये ऐसे ही जर्जर पड़ा हुआ है और ना इसमें पानी की सुविधा है और ना टॉयलेट की है। बच्चे इसमें एडमिशन आते हैं पर जब यहाँ की कंडीशन देख के फिर चले जाते हैं। योगी सरकार द्वारा स्कूल को हाईटेक बनाने की बात की जाती है, स्मार्ट बनाने की बात की जाती है, क्या वो यहाँ देखने को नहीं मिलता? चल रहा है काम, वहाँ पे नगर निगम से चल रहा है, इसलिए जज्जर भवन में आ चुका है इसका। ये तो कब तक इसका सुधार के लिए आपने प्रयास किए हैं? विधायक सांसद से विधायक कौन बैठे? इंचार्ज है सुनील शर्मा, उन्होंने करा। तो अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ? नहीं, बोल तो रही थी कि जज्जर भवन में आ गया तो जल्दी होगा काम। अब देखिए कब तक होता है।
तो बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पर? लगभग कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं यहाँ? बच्चे यहाँ पे 24, 26, 27 हमेशा आते हैं। आज 20 बच्चे आए क्योंकि कल मेला था। कितने इसमें जो कमरे थे जो यहाँ पढ़ाई होती थी? 3 कमरे थे। वैसे तो 5 थे पर 3 कमरे बिल्कुल कंडीशन सही थी जब मैं आई थी। अब मैं 2007 में आई थी। अब क्या हालात हैं? अब तो बिल्कुल ही, अब तो बैठाने लायक जगह नहीं। एक ही रूम में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। मैं रूम में नहीं पढ़ाती, वो तो अब गर्मी है इसलिए, नहीं तो बच्चे बाहर ही पेड़ के नीचे ही बैठाते हैं। जिस रूम में आप पढ़ा रही हैं, इस रूम की क्या स्थिति है बच्चों की? इस रूम की स्थिति भी अच्छी नहीं है। क्या लगता है कभी भी मतलब हो सकता है? इसलिए हाँ, इसलिए मैं बैठाती भी नहीं हूँ। रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ जस्ट वन टेलीकॉम। हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।